ये नंबर से हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ पोर्टर ऑफिस ओखला अपने आईडी को चालू करवाने, जो कि सस्पेंड हो गया था। और मेरे साथ ही अंकल जी भी जा रहे हैं। हेलमेट तो हटा लो। इनको आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, इनका भी आईडी सस्पेंड हो गया है। और ये भी जो है पहले हमारे साथ जिप में करते थे, जिप कंपनी में काम करते थे, तो इनका भी आईडी जो है मेरे साथ ही सस्पेंड कर दिया। तो हम दोनों जा रहे हैं पोर्टर ऑफिस ओखला में, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारी आईडी चालू हो पाती है या फिर नहीं हो पाता, या फिर दूसरा आईडी बनवाना पड़ेगा। तो जो भी अपडेट होगा वो आपको पूरा वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको एड्रेस और लोकेशन चाहिए तो वो भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की बात जो है मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो दोस्तों, करीब जो है 25 से 26 किलोमीटर का रूट जो है कवर कर लिया, और यहाँ से 8-9 किलोमीटर जो है और बच रहा है। और वहाँ से जो है M2K से जो पोर्टर का ऑफिस है ओखला में, वो एक रूट दिखा रहा था 35 किलोमीटर और दूसरा रूट दिखा रहा था 33 किलोमीटर। तो 33 किलोमीटर वाले रूट से जा रहा हूँ, और टाइम दिखा रहा था 1 घंटा 12 मिनट के आसपास जो है टाइम दिखा रहा था। तो वहाँ से जो है मैं निकलने से पहले ऊबर में जो है डेस्टिनेशन सेट कर दिया था ओखला फेस 1 का, पोर्टर ऑफिस का, इसकी सोचा रास्ते में कोई ऑर्डर मिल जाए, कोई राइड मिल जाए तो लेते हुए चला जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक आ गया मैं और अभी तक जो है एक भी राइड नहीं मिला है, और इसके बाद मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ से इधर से जो है मुझे खाली ही जाना पड़ रहा है। वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होता है, भैया आईडी बनती है या फिर नई आईडी बनवानी पड़ेगी, या इसी आईडी को हम बाइक चेंज करवा सकते हैं। तो जो भी होगा वहीं जाके जो है पता चलेगा कि नई आईडी बनेगी या फिर इसी आईडी को जो है हम चला सकते हैं। अंकल जी जो है पीछे पीछे आ रहे हैं, और पेट्रोल डलवा लिया है मैंने। अब उधर से देखेंगे कितने देर बाद निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे सीधा पोर्टर ऑफिस ओखला में। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग है पोर्टर का, इसी बिल्डिंग में जो है सेकंड फ्लोर पे पोर्टर का ऑफिस है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है लिखा भी हुआ है, और यहाँ पर A275 जो है लिखा हुआ है। और यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे है, ये आप देख सकते हो, बंदे इतने सारे जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में ये जो है ऑफिस है कोई, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी जो लिखा हुआ है पोर्टर ऑफिस ऊपर है सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ से जो है जीना चढ़ के जो है आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो। तो दोस्तों, आ गया मैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पर देख लो आप कितना भीड़ है। आप ये देखो भाई साहब, इतना भीड़ है यहाँ पे, इतने सारे राइडर्स आए हुए हैं अपनी आईडी को एक्टिवेट कराने आए हैं, कोई आए हैं अपनी सस्पेंड आईडी को चालू करवाने जैसे मैं आया हूँ। तो दोस्तों, अभी ऊपर गया था मैं, और भीड़ आपने देख ही लिया कि कितना भीड़ है। तो वहाँ पर गया तो मैंने आईडी दिखाया, तो उसके बाद जो है कह रहे हैं कि आप आधे घंटे बाद, यानी 2 बजे 2:30 बजे के बाद आप मिलना, 2:30 बजे तक, क्योंकि जिप्से अकाउंट लिंक है। तो फिर कहते हैं कि वो प्रॉब्लम होता है कि जिप्से अकाउंट लिंक है, तो थोड़ा बहुत जो है उन्हें पहले परमिशन लेना पड़ता है बाइक बदलने के लिए, यानी बाइक जो है वो चेंज करने के लिए, तो उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। तो बोले कि 2:30 बजे तक आप मिलो आके। हम दोनों को बोले हैं कि 2:30 बजे के बाद जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम देखते हैं 2:30 बजे तक वेट करके कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं, देखते हैं कि क्या कहते हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, करीब 25-30 बंदे थे अंदर जब हम सब गए थे। तो और आए जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं बंदे। तो देखते हैं अब लंच के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, आधे घंटे बाद जो है मैं फिर से गया ऑफिस में, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जिप वाला अकाउंट जो है आईडी है आपका वो बंद कर दे रहा हूँ, और आपका जो है बिल्कुल फ्रेश आईडी, नया आईडी बनेगा आपके बाइक का, बाइक के नंबर से जो है आपके बाइक के आरसी से नया अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर जो है आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि उन्होंने जो है अकाउंट मेरा बंद कर दिया है वो वाला, और उसमें जो अमाउंट थे 1176 रुपये वो जाएगा जिप कंपनी के अकाउंट में। तो वो मुझे पैसे देते हैं या फिर नहीं, ये जो है बाद में पता चलेगा। अगर नहीं देगा तो फिर 1100 रुपये नुकसान हो गया, और 900 रुपये जो है मेरा यहाँ पर लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस। और अंकल का भी सेम वही हुआ है, अंकल जी का भी आईडी दोनों
उसका बंद कर दिया है और मैं जो है अभी आईडी बना रहा हूँ। और आईडी किस तरीके से बनाना है उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, उसका मैं अलग से जो है एक वीडियो बना दूंगा। जिसको नहीं आता बनाना वो जो है उस वीडियो को देख के अपना आईडी जो है बना सकते हैं। तो अभी जो है मैं फटाफट से ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फिर मैं ऊपर जाता हूँ और देखते हैं कि कितने देर में जो है मेरा आईडी ओपन होता है। तो दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है मैं ऊपर गया, तो वहाँ पर जो है करीब एक घंटा लग गया ट्रेनिंग वीडियो वॉच करने में, डमी ऑर्डर कंप्लीट करने में, और उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन के लिए और पेमेंट उसके बाद, तो एक डेढ़ घंटा लग गया। और अभी टाइम हो रहा है करीब 5:09 हो रहा है, मैं आ गया हूँ ओखला फेज़ 2 में। यहाँ से मेरा आईडी जो है चालू हो गया, आप देख सकते हो साइड में स्क्रीनशॉट ओपन हो गया है। और इसी बाइक के जो अभी बाइक है स्प्लेंडर प्लस मेरा, इसी के आरसी पे हुआ है। तो देखते हैं अभी कि ऑर्डर इस पे बचता है या नहीं है। आईडी तो मेरा चालू हो गया लेकिन नुकसान है अभी, क्योंकि 1167 रुपये मेरा उसमें था। अगर वो पैसे मेरा नहीं आएगा तो फिर 1100 और 900 रुपये 2000 का नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि 15 दिन बोला है कि 15 दिन बाद जो है वो पैसे जिप कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, तो देखते हैं वहाँ से रिफ़ंड आता है मेरे पास या नहीं। और जो भी अपडेट होगा उस वो जो है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों पोर्टर ऑफिस में करीब मैं 2 घंटे रहा और 2 घंटे में जो है मुझे 4 मेरे सब्सक्राइबर भाई मिले। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे भी जानते होंगे, और देखते ही जो है इन्होंने पहचान लिया कि संतोष भाई है। 4 सब्सक्राइबर भाई मिले, 4ों से मैं मिला, हाथ मिलाया, और जो है वो भी अपना आईडी बनवाने आए थे, कई अपना आईडी बनवाने आए थे और एक का आईडी सस्पेंड हो गया था, तो वो जो है अपना आईडी ओपन करवाने आए थे। देख के जो है बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी देख के अब राइडर्स भाई जो है अपने पहचानने लगे हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि वहाँ पर मैं जाऊँगा और कोई मुझे पहचान ले, लेकिन यहाँ पे 4 अपने सब्सक्राइबर भाई मिले जिन्होंने मुझे पहचान लिया। और आप फोटो देख सकते हो, सबसे मिला, रीज़न पूछा कि किस लिए आए हैं, वही बताया कि अपनी आईडी चालू करवाने के लिए आए हैं और रेगुलर्स वीडियोस देखते हैं वो हमारे, तो उन सबसे जो है मिला मैं। और अभी जो है ओखला फेज़ 2 में ही हूँ। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।